जान सर के एपिसोड नंबर 4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि भाई साहब पहले दो एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, लेकिन आगे आने वाली तीसरी और चौथी एपिसोड मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। वो इसलिए क्योंकि यार इसकी जो वक्त के साथ साथ इसकी जो स्टोरी है वो ज्यादा इंगेजिंग और काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। ये वाली जो एपिसोड थी इसमें हमें सबसे ज्यादा जो है वो दुआ की साइड दिखाई गई, दुआ की जो है उसको सेटअप किया गया जो गजनवी साहब है हमारे, क्योंकि उसका पहला नाम मुझे जरा सा शेर नवाज जो सही से प्रोनाउंस नहीं करना था, तो भाई मैं गजनवी बोलूंगा उसे। तो भाई जो तैमूर दानिश तैमूर की साइड है जो गजनवी साहब है भाई, वो अपनी बीवी को जो कि पहले उसकी भाभी थी बाद में बीवी बन गई, जो कि फोर्सफुल शादी थी, उसने निकाह से पहले कह दिया था भाई मैं प्यार शायद नहीं दे सकता। तो भाई वो उसकी जो बीवी है वो कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह मुझे इससे वो प्यार मिल जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और पता नहीं कैसी भाभी, चलो अब तो बीवी है ना प्यार कर सकती है, चलो ठीक है इसको इस फ्रेंड अबे बात कर लेते हैं भाई हम दूसरी साइड पे। जो दुआ है वो फराज के साथ इस टाइम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती है, और भाई जब अजीबोगरीब काम हो रहे हैं भाई यहाँ पे, तो सरासर हमारे पाकिस्तानी निजाम के जो गला घोटा जा रहा है पूरे ड्रामे में, लेकिन चलो ठीक है। उसके साथ फराज को निकल जाती है, वो उसको फोन देता है और आइसक्रीम भी खिलाता है, और वो फोन बाद में ही पहले ही झटके पकड़ा जाता है, लेकिन वो कह देती है भाई दोस्त का फोन है, जो कि ऑब्वियस था कि भाई यही कहेगी भाई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो लास्ट प्रोमो में तकरीबन दिखाया गया था, वो सारा जो प्रोमो में दिखाया गया था ना, तकरीबन ऐसा लग रहा था पूरा की पूरा ड्रामा हेमिंग ही हमें वो उस प्रोमो में दिखा दिया गया था, इतना वो कट इस तरीके से वो प्रोमो कट किया गया था। भाई ऐसे ना करो, दो चार सीन दिखा दिया करो भाई, हमें खुद भी तुक्के लगाने, तो आपको पूरी पूरी कहानी बताई जा रही है भाई, ऐसा नहीं करना आने के बाद। तो फिर बात करते हैं आने वाली एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो भाई कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जो जो गजनवी की माँ है, जो दानिश तैमूर की माँ है, इसके अंदर बनी हुई है यार, वो कहेंगे कि भाई तुम इसको अपने साथ लेके जाओ भाई, कुछ करो इसके साथ करो भाई, वो लेकिन कहेगा ना भैया ना कुछ भी अभी नहीं हो सकता फिलहाल, दूसरे हेड पे दुआ है उसकी यार, जो फराज है उसका फुल ऑन रिश्ता विश्ता तय हो चुका है कम से कम, और दुआ की बहन के साथ, जो कि दुआ को अभी तक नहीं पता कि भाई जान ये मेरी बहन के साथ रिश्ता हो रहा है, और दुआ की बहन के साथ उसका रिश्ता ऑलमोस्ट कन्फर्म हो रहा है, और मुझे लगता है कि दुआ की बहन के साथ ही फराज की शादी हो जाएगी, और जो दुआ है उसकी शादी किसी ना किसी तरह दानिश तैमूर के साथ हो जाएगी, यानी कि अपने गजनवी साहब के साथ, और अभी इस तरह का कुछ लगता है। और तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में ये ड्रामा आपको किस तरह का लग रहा है, और कौन सा सीन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था इस एपिसोड का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।